नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का तरुण कृष्णा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम थोड़ा सा जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसा मैक्सिमम जो लूजर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर वैसे तो वीडियो है, तो मैक्सिमम जो लूजर्स होते हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा होता है, तो उनको किस चीज़ से दिक्कत होनी चाहिए और किस चीज़ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर आज का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तक जिंदगी में अगर फेल होते रहे हो कोई दिक्कत नहीं, क्लास में सबसे बड़े लूजर हो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई में मन नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं, सारी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाती है कोई दिक्कत नहीं, घर में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता कोई दिक्कत नहीं, आलसी हो कोई दिक्कत नहीं, गरीब हो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा फ़ोन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, किराए के घर में रहते हो कोई दिक्कत नहीं, आज तक खुद के अंदर की आवाज़ कभी सुनी नहीं बस दूसरों की बकवास सुनते रहे हो कोई दिक्कत नहीं, जेब में खर्ची नहीं है अपने सामान अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, अपने प्लान्स बनाते हो और फिर फेल हो जाते हो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे कपड़े नहीं है कोई दिक्कत नहीं, रिस्पेक्ट कहीं से नहीं मिलती कोई दिक्कत नहीं, प्यार में धोखा मिला है कोई दिक्कत नहीं यार। लेकिन अब दिक्कत किस बात से तुम्हें होनी चाहिए उस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दिक्कत होनी चाहिए बेड पे पड़े रहने से, सिर्फ सोते रहने से, दिन भर फ़ोन चला के टाइम बर्बाद करने से। अगर आपके पास अच्छा फ़ोन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर भविष्य में अच्छा फ़ोन लेने की योजना नहीं बना रहे, उसके लिए पढ़ाई, उसके लिए मेहनत, उसके लिए सक्सेस के लिए आगे नहीं बढ़ रहे तो दिक्कत है। अच्छे कपड़े नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे कपड़े पहनने के लिए मेहनत नहीं कर रहे तो दिक्कत है। जेब में खर्चा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेब को भरने के लिए उसमें पैसे आपके पॉकेट के अंदर अच्छे खासे पैसे आ सके उसके लिए अगर आप आज मेहनत नहीं कर रहे तो दिक्कत है। कोई रिस्पेक्ट नहीं करता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने फ्यूचर में अभी अपनी रिस्पेक्ट नहीं बनाई तो दिक्कत है। किराए के घर में रह रहे हो लेकिन फ्यूचर में अगर आपने अपना खुद का एक मकान नहीं लिया तो दिक्कत है। प्यार में धोखा मिला लेकिन इस बात को आप भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे तो दिक्कत है। आज तक खुद के अंदर की आवाज़ नहीं, इसमें सिर्फ दूसरों की बकवास सुनते रहे हो, लेकिन आज भी वैसा ही कर रहे हो, अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन रहे, खुद के प्लान्स नहीं बना रहे, खुद की राय पर नहीं चल रहे, खुद के बनाए रास्ते पर नहीं चल रहे तो दिक्कत है। हमेशा से लूज़र रहे हो, अपने क्लास में सबसे पीछे रहे हो, फेल होते हुए हो, कंपार्टमेंट आई है बिल्कुल गधे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब भी अगर लूज़र ही रहोगे, गधे ही रहोगे, नलायक ही रहोगे तो दिक्कत है। फर्स्ट आने की क्लास में फर्स्ट डिवीज़न लाने की सबसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे तो दिक्कत है। पढ़ाई में मन नहीं लगता उसके लिए कोई नया प्लान नहीं बना रहे, नई तरकीबें नहीं निकाल रहे आगे बढ़ने की प्लान, पढ़ाई में मन लगाने के लिए कुछ भी खास नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़े रहते हो, सोचते रहते हो तो दिक्कत है। सोचते रहते हो ये कर दूंगा वो कर दूंगा लेकिन करते कुछ भी नहीं तो दिक्कत है। आपको दिक्कत होनी चाहिए फालतू में टाइम बर्बाद करने से, आपको दिक्कत होनी चाहिए आपको एक एक मिनट को बर्बाद करने से, आपको दिक्कत हर उस चीज़ से होनी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में दिक्कत है। आपको दिक्कत को भी दिक्कत नहीं समझना है, उसको भी अपनी एक एग्ज़ाम की तरह लेना और उस दिक्कत को हरा कर अपनी दिक्कत को सॉल्यूशन निकालना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना और सक्सेस को पाना। तो आपकी हर दिक्कत का सॉल्यूशन आप ही के अंदर है, आपको तलाशना होगा, आप तलाश सकते हो, क्योंकि दिक्कत उसी के आगे आती है जो उस दिक्कत का सॉल्यूशन निकाल सकता है, क्वेश्चन उसी के सामने आता है उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है। कुछ भी हो, कितनी बड़ी से बड़ी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। आप कर सकते हो, आप बढ़ सकते हो, ये आप खुद भी जानते हो, मैं बकवास नहीं कर रहा, ये आप खुद भी जानते हो। जरा दिल पे हाथ रख के पूछना क्या तुम ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो, अंदर से तुम्हारी आवाज़ आएगी यस हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरे साथ हो, मैं खुद घदाऊँ, मैं मान लेता हूँ चलो आपके लिए मैं भी घदाऊँ, मैं भी आगे बढ़ूँगा तुम्हारे साथ, आप सभी के साथ, सब मिलके आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। हर उस बात से दिक्कत होनी चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में दिक्कत है, उस दिक्कत को हटा के हमें बहुत आगे बहुत सक्सेस होना है और सब मिलके आगे बढ़ेंगे, सब मिलके साथ में आगे बढ़ेंगे, हर दिक्कत को हटाकर हम सक्सेस होंगे आगे बढ़ेंगे। ये मैं भी अपने दिल से बोल रहा हूँ और आपको भी अपने दिल से ठान लेना है, क्योंकि आप मेरे भाई बहन सब दोस्तों, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे और सारी दिक्कतों को हटाकर बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरे साथ हो, क्या मेरे साथ आगे बढ़ोगे या नहीं। मुझे नहीं पता, शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ इस वीडियो में, मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर दिल से बोल रहा हूँ, दिल की आवाज़ बोल रहा हूँ। ध्यान रखिए अपना, आगे बढ़ते रहिए, यही दुआ है मेरी, यही मेरी भगवान से रिक्वेस्ट है आपके लिए, मैं भी आगे बढ़ूँ, आप भी आगे बढ़ो, सब मिलके आगे बढ़े। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।